नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन व्लॉग से स्वागत करती हूं। तो योगिनी एकादशी यानी 2 जुलाई को किया जा रहा है योगिनी एकादशी का व्रत। तो योगिनी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करने का विधान है। तो व्रत का पारण 3 जुलाई को सुबह 5:28 से लेकर 7:10 के बीच में कर सकते हैं। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा खास माना जाता है द्वादशी का व्रत, क्योंकि इस दिन तुलसी जी की भी पूजा की जाती है। तो अगर आपने योगिनी एकादशी का व्रत किया है तो व्रत का पारण आप कर सकते हैं 3 जुलाई को सुबह सुबह। इसके बाद में जैसे आप 12 के बीच में एकादशी के बाद में जो पारण करते हैं वो करते हैं द्वादशी तिथि की पहली अवधि में, जो पहला अपरान होता है उसके दौरान करते हैं। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन व्लॉग्स में। हरे कृष्णा।